गिलास हो या फिर कुड़ी, जब तलब लगे तब मिलनी चाहिए, वो भी खास एक्सक्लूसिव। और हम इस मामले में सेट हैं बॉस। ना कभी मैखाना ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही गोरी का मकान। अपना एक ठिकाना यहाँ है तो एक ठिकाना वहाँ, और हम तो वाकई इंटरनेशनल हैं। इसकी तो कोई लोड ही नहीं है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चाय पीजिए गर्मा गर्म, फिर निकलते हैं आराम से। जिंदगी अभी बाकी थी, कई अरमान अधूरे हैं मेरे, जो अब अधूरे ही रह जाएंगे। कोई पहचानता है ना? हाँ जी सर जी, ये सुरेंद्र अरोड़ा जी, ये है ना अपना सदर नगर, वहीं पे इनका ऑफिस। सर वॉलेट वगैरह तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये मोबाइल मिला उसकी पॉकेट से। इस फोन में इनके घर वालों का या किसी रिश्तेदार का नंबर जरूर होगा, उन्हें कॉन्टेक्ट करो। सर ये टायर मार्क्स बिल्कुल फ्रेश हैं। प्रॉपर्टी डीलर, रिपीटेड स्टैबिंग, इरादा कत्ल का ही रहा होगा। पता करो ये प्रॉपर्टी किसकी है, इसी की है या किसी दोस्त या दुश्मन की, या फिर बॉडी को यहाँ लाकर डंप कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर विकास मेहरा बोल रहा हूँ, सुरेंद्र अरोड़ा आपके रिश्तेदार हैं जी? मैं उसकी बीजी बोल रही हूँ, परमजीत कौर। की गल है इंस्पेक्टर? जी आप लुधियाना सिविल हॉस्पिटल पहुँच जाइए तुरंत। आपके बेटे की बॉडी मिली है जी। बॉडी? की कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मौत कब हुई होगी? लगभग कुछ 15 से 16 घंटे पहले। मतलब 2 अप्रैल? That's right. सुरेंद्र जी को कौन नहीं जानता था सर। सुबह मुझे फ़ोन आया था मेरे दोस्त का कि मेरी ज़मीन पर उनकी लाश मिली आपको। मेरे तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई सर। क्या वाकई में आपकी ज़मीन खिसक रही थी जी? ज़मीन को लेकर, उस प्लॉट को लेकर आप में और सुरेंद्र में कोई अनबन थी क्या? मेरी ज़मीन है सर, कोई अनबन नहीं। सुरेंद्र खुद उस ज़मीन को खरीदना चाहता था या किसी और पार्टी को दिखाना चाहता था? देखिए सर, सुरेंद्र जानता था कि वो ज़मीन मेरी है, अब ले गया होगा किसी को दिखाने के लिए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि किसे लेके जा रहा है वहां। पुत्र की हो गया मुझे, पुत्र की हो गया जी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, कल दिन भर वो अपने ऑफिस में ही थे और शाम को उन्होंने चाय भी मंगाई थी। ये छोटू दे आया था। कल सुरेंद्र अरोरा को देखा था? हाँ। कितने बजे निकले थे ऑफिस से? कोई था उनके साथ? पापा जी आप रो क्यों रहे? रेखा पुत्र, वो सुरेंद्र, सुरेंद्र का मर्डर हो गया। मैं और परमजीत पुलिस स्टेशन में हैं, अभी अभी वो सुरेंद्र की लाश को देख के आए हैं।
What, Mama? बंटी, तुम्हारे दादू का फोन आया था, तुम्हारे पापा। पापा? He is coming, पापा आ रहे हैं? कब आ रहे मम्मी? बोलो मम्मी कब आ रहे हैं? बोलो ना। ना जी, कल सुरेंद्र तक कोई फोन वोन नहीं आया जी। तो आपने भी नहीं किया? आपका बेटा रात भर घर से बाहर था। वो पहले भी कई बार रात में घर नहीं लौटता था, हम लोगों को आदत हो गई थी। तो कहाँ रहता था रात भर, किसके साथ, क्या करता था? 34 साल का जवान, कामयाब आदमी था हमारा सुंदर, काम से आना जाना होता था उसका, हर बार बताने की जरूरत नहीं थी। और उसकी बीवी रेखा, वो यहीं रहती है? वो न्यूयॉर्क में रहती है, आज की पहली फ्लाइट लेके आ रही है बंटी के साथ। बंटी हमारा हमारा पोता। रोज की तरह शटर डाउन किए, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। कितने बजे थे? यही कुछ 4:15। PB10 78H9 सुरेंद्र जी की गाड़ी का नंबर है। कमाल है, याददाश्त तो बहुत तेज है तेरी। अरे मैडम, आप सोचिए ना, अरोरा साहब का ऑफिस सामने ही है और मैं यहीं बैठा रहता हूँ पूरा दिन, 8-10 घंटे तो गाड़ी मेरी नजरों के सामने ही होती है। सुरेंद्र अरोरा अकेले निकले थे ऑफिस से? वो अभी कह रहा था सारी चीजें याद रहती हैं तुझे। हाँ कहा तो था मैडम, लेकिन मैं दूसरी दुकानों पर भी चाय देने जाता हूँ ना, तो हरदम नजर तो रहती नहीं है। हाँ लेकिन जब उन्होंने चाय मंगाई थी कल दुकान बंद करने से थोड़ी देर पहले, तब उनके साथ एक बंदा था। उसकी तो कोई लोड ही नहीं है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप चाय पीजिए गर्मा गर्म, फिर निकलते हैं आराम से। हाँ जी, हम सब का अमेरिकन पासपोर्ट है, सुरेंद्र यूएस सिटीजन था। आप सबके पासपोर्ट की एंट्रीज देख के तो ऐसा लगता है कि आप लोग पिछले काफी अरसे से यहीं रह रहे हैं। हम भी कभी कभी आते थे सुरेंद्र के साथ, 5 साल पहले वो यहीं बस गया था। कोई खास वजह? पीछे से हम लोग यहीं किया जी, सुरेंद्र इसके पेट में था जब हम लोग माइग्रेट हो गए थे अमरीका, वहीं पैदा हुआ, यहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं बहुत सारी, 5 साल पहले वो यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो पिछले 5 साल से सुरेंद्र यहीं लुधियाना में प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ था? पहले तो वो हमारी ज़मीनें संभालता था, काफ़ी सारी बेची भी उसने, फिर वो इसी लाइन में आ गया। सुरेंद्र की बॉडी हमें जहाँ मिली वो प्लॉट किसी जितेंद्र कालरा का है, इस जितेंद्र कालरा का आपके बेटे सुरेंद्र से क्या कनेक्शन था? ना जी, हम नहीं जानते किसी जितेंद्र का लड़ा को। जब तो चाय का कप लेने वापस गया तो वो आदमी तब भी सुरेंद्र के साथ था? हाँ जी, वहीं बैठा था। फैंटास्टिक, मैक्सिमम प्रॉफिट उसी में होगा, गुड चॉइस सर जी। नहीं मैडम, उस आदमी का चेहरा तो देखा ही नहीं, बस चाय दी और कप लेने गया। मैडम सुरेंद्र पाजी का खाता चलता था हमारे यहाँ। छोटू ठीक से याद कर, शटर डाउन करते वक्त वो आदमी भी था गाड़ी में बैठा? अब ध्यान ही नहीं दिया तो कैसे बताए मैडम। जब तू अंदर गया तो जो आदमी सामने बैठा था उसका कुछ तो दिखाई दिया होगा। अब वहाँ कोई आलिया भट्ट तो बैठी नहीं थी ना मैडम, बंदा था हजारों बंदों जैसा, कौन देखेगा दोबारा तिबारा, बस चाय रखी मेज पर और निकल लिया। हाँ जी, यही है सुरेंद्र की कार का नंबर। बॉडी हमें जहाँ मिली सुरेंद्र की कार हमें वहाँ नहीं मिली। PB1078H9 शहर की हर मुमकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, काले रंग की गाड़ी है। कल शाम, रात, आज सुबह के फुटेज चेक करो, स्पेशली वो टोल नाका जो शहर से बाहर को जाते हुए पड़ते हैं। कोई कॉल आया नहीं और कोई कॉल गया नहीं। हाँ जी सर, कॉल लिस्ट में से कल के सारी कॉल्स गायब है, सीधे परसों के कॉल्स दिखा रहे हैं। और फोन को लाश के पास ही छोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है फोन में से कल के सारे कॉल डिलीट कर दिए गए हैं और गड्डी भी गायब। सर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में से तो कॉल्स गायब नहीं किया जा सकता, डिटेल्स दोपहर तक आ जाएंगे। और CDR में हमारे काम का कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, सोनिया ने पता लगाया है सुरेंद्र अरोड़ा को कल शाम को कोई मिलने आया था।
फैमिली के पास प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन सुरेंद्र अरोड़ा इकलौता था, तो प्रॉपर्टी के लिए आपसे डिस्प्यूट रूल आउट हुई होगी। केस की चाबी सुरेंद्र अरोड़ा की कार रही होगी जो गायब थी। करेक्ट। उस कार का अनट्रेसेबल होना हमारा सबसे बड़ा सुराग था। हमें लगा उस कार में कुछ होगा। शहर का हर सीसीटीवी फुटेज स्कैन हुआ, पर वो कार कहीं नहीं दिखी। वो कार जहां भी थी, उस कार की लोकेशन हमारी मंजिल थी। और साथ ही सुरेंद्र अरोड़ा के बारे में एक ऐसी बात हमारे नोटिस में आई और हमने मेक श्योर किया वो बात सही निकली। सर जी, सुरेंद्र अरोड़ा का जो प्लॉट है ना, वो कबीर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। क्या ये बात पक्की है सुरजीत कि सुरेंद्र के साथ कोई था? 100% सर जी। सर जी, मैंने खुद इस अरोड़ा के सारे जमीनों के चक्कर लगाए हैं। उसका ये जो कबीर इंडस्ट्रियल एरिया वाला जमीन है ना, उससे लगकर ही कपड़ों की रेडीमेड फैक्ट्री है सर जी। उसके वॉचमैन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब वो अपने आप से तो बातें नहीं करेंगे ना, मैंने साफ साफ देखा था। वो किसी को कुछ बता रहे थे, प्लॉट की तरफ इशारा कर रहे थे। अरोड़ा साहब अकेले नहीं थे, कोई और पैसेंजर था गाड़ी में। पहचान पाओगे? हुलिया बता पाओगे? रंगीन शीशा ऊपर चढ़ा हुआ था साहब। बोल, गाड़ी के शीशे इतने भी रंगीन नहीं होते कि उसके अंदर कौन बैठा है ये भी ना दिखाई दे। और जैसे तू बता रहा है, लग रहा है तेरी नज़र कुछ ज़्यादा ही खास टिकी थी गाड़ी पर। खास इसलिए थी क्योंकि उस गाड़ी का वहाँ आना आम था साहब। मुझे मालूम है वो प्लॉट उनका है, वो हर दूसरे दिन आते थे वहाँ पर, तो मैं उस गाड़ी और अरोड़ा साहब को दूर से भी पहचान लेता। ये कल शाम तकरीबन 5 बजे की बात है? जी साहब। ये सदर बाजार जहाँ पर सुरेंद्र अरोड़ा का ऑफिस है, और ये कबीर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ सुरेंद्र अरोड़ा का अपना प्लॉट है, तकरीबन 6 किलोमीटर सर। और फिर ये रहा बिलान नगर, जहाँ पर जितेंद्र कालरा का प्लॉट है और जहाँ पर हमें सुरेंद्र अरोड़ा की लाश मिली। कबीर इंडस्ट्रियल एरिया से 8 किलोमीटर। तो हुआ ये होगा कि उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में जो बंदा कस्टमर बन के आया था, सुरेंद्र अरोड़ा उसे लेकर पहले अपने ऑफिस से पहुंचा होगा यहाँ कबीर इंडस्ट्रियल एरिया, अपना खुद का प्लॉट दिखाने। फिर यहाँ से वो उसे जितेंद्र कौला का प्लॉट दिखाने गया होगा भिलान नगर, और जहाँ पर हमें सुरेंद्र अरोड़ा की लाश मिली। हो सकता है सर इस आदमी ने ही सुरेंद्र से पूछा हो कि अगर भिलान नगर में कोई प्लॉट हो तो दिखा दो। शायद उसे भिलान नगर में ही लाकर मारने का प्लान था। वहाँ लाकर उसका मर्डर कर दिया होगा, फिर लाश को डंप करके ये बंदा गड्डी लेके हवा हो गया होगा। लेकिन मेरे गड्डी के लिए इतना ब्रूटल मर्डर आसान नहीं लगता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मर्डर हुआ क्यों होगा? सर जी अब तुसी किस तरफ जा रहे हो? तुहानू कित्थे जाना है सर जी? जाना ना उधर चले जाएंगे। सफर इधर तक ही। कौन है तू? छड़ मेनू, अपने ऑटो में ताला लगा ले वरना कट दवांगे। चुप, अरे अरे मेरी गाड़ी लेके भाग रहे कोई है? गाड़ी लेके भाग रहे मेरी, वो कमीने मेरी गड्डी लेके भाग रहे। वो चाबी नहीं यार गाड़ी की। नीचे देख, नीचे देख। ओ, अरे, अरे, अरे। नवंबर 2015 की बात थी, 6 महीने पहले। एक बंदा था हरदेव खोसला और दूसरा बंदा था अजित मलिक।
ट्रायल अभी भी चल रहा है? यस सर, पर ये अजीत और हरदेव दोनों बेल पर बाहर है और ये सुरेंद्र अरोरा इस केस को बराबर फॉलोअप कर रहा था। 6 महीने पहले कार चोरी का अटेम्प्ट जो नाकाम हुआ, दोनों पकड़े गए सर। ऐसा तो नहीं इन दोनों ने सुरेंद्र अरोड़ा से कोई बदला लिया, मतलब इस बार सिर्फ कार ही नहीं चुराई बल्कि सुरेंद्र अरोड़ा को ही खत्म कर दिया। पर कार के लिए मर्डर हमने बहुत ही रेयर केसेस में देखा, कुछ तो खास रहा होगा उस कार में। सोनिया, सुरेंद्र के माँ बाप से पता करो कि सुरेंद्र ने यह कार कहाँ से खरीदी थी और कब खरीदी थी। RTO से पूरी डिटेल निकलवाओ और मेरा सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड आते ही पूरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्कैन करवाओ। रेखा और बंटी कल सुबह दिल्ली लैंड करेंगे, वहां से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। हरजीत जी, सुरेंद्र की कार PB1078H9 उसने कब और कहां से खरीदी थी? हम लोग साल में 2 बार यहां पे आते हैं, उसी बीच सुरेंद्र ने कभी खरीदी होगी, अब ज्यादा डिटेल तो उनको पता नहीं। आप साल में 2 बार यहां आते हैं, कितने महीनों के लिए? कुछ फिक्स नहीं होता जी, इस बार लंबा रुक गए हम लोग यहाँ पे, 4 महीने हो गए। सुरेंद्र की बीवी रेखा और बेटा बंटी वो नहीं आते थे? आते हैं, जब बंटी की समर वेकेशन होती है तो आते हैं। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे अमेरिका चले जाते हैं। देखिए वो कार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करें मैडम जी, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, वैसे भी पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट वो यहीं पे रहने लगा था, कभी बीच में एक आध बार अमरीका आया होगा, और वैसे भी 5 साल में हमारे बीच कामकाज की बातचीत होनी बंद हो गई थी। PB1078H9 इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल चाहिए मुझे, नाना जी अभी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पर। गड्डी कितने है? किस गड्डी थी कल कर रही थी? अरे वही गड्डी जो पहली दफा चुराते हुए पकड़ा गया था तू, सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी, याद आया? ओ जी मैं नहीं जानता किसी सुरेंद्र अरोड़ा ने। तेरी ओ बड़ी खराब यादाश्त हो गई तेरी, हैं? ओ 6 महीना पहले की कालू करतूत याद नहीं आ रही तेनू? कोई नहीं, ओ हमारे लोकअप में ना हर मर्ज की दवा है, वो याद दिलाने के लिए ना पूरा ऑपरेशन टेबल है। RTO से गाड़ी की डिटेल्स आ गई हैं। सुरेंद्र अरोड़ा ने ये गाड़ी 2012 में खरीदी थी, फर्स्ट हैंड शोरूम से। इस गाड़ी में ऐसा क्या था? तो ऑपरेशन शुरू करूं या बिना ऑपरेशन के सच बताओगे? सर जी साडा तो केस चल रहा है, सुरेंद्र अरोड़ा को मारकर हम खुद अपने गले पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? ऑपरेशन तो दूर, अभी तक इंजेक्शन भी नहीं लगा, सब कुछ याद आ गया। 20 मिनट पहले तो तुम्हें सुरेंद्र अरोड़ा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सर जी हवलदार साहब ने पूछा ना तो एकदम से मुंह से निकल गया जी। ये है ना, ये अगर मेरे हाथ से निकल गया ना तो तुम दोनों की मौत इसी ऑपरेशन टेबल पे हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, लेकिन अगले 3 मिनट में मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर देख लेना तुम लोग। पहला सवाल, उस शाम सुरेंद्र अरोड़ा से मिलने कौन गया था? दूसरा सवाल, तुम लोगों ने सुरेंद्र अरोड़ा को क्यों मारा? और सवाल नंबर 3, सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी कहाँ है? सीधे गाड़िया के पार्ट चुराने वाले बहुत छोटे मोटे लोग हैं जी, मर्डर शर्डर के बारे में सोच भी नहीं सकते, असी तो पूरी गड्डी भी नहीं चुराते जी। वो तो 6 महीने पहले पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा हमें, जो हमने ट्राई किया और बुरे फंसे, केस ठुक गया जी। और यकीन करो सर जी, कोर्ट में हाजिर होने से पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमने सुरेंद्र अरोड़ा की गड्डी पर ट्राई मारा था। जिस पागल कुत्ते ने तुम दोनों को ये कहा ना कि जाओ सुरेंद्र अरोड़ा का मर्डर कर दो और उसकी गड्डी लेके फरार हो जाओ, मुझे उस पागल कुत्ते का नाम चाहिए अभी के अभी। सर जी कोई नहीं है सर, हम दोनों का ही ग्रुप है जी। सर सर यकीन करो सर जी, हम लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करनी जी और चोरी वोरी नहीं करनी। लगता है तुम लोग बिना ऑपरेशन के नहीं मानोगे। पंकज ऑपरेशन की तैयारी करो, पहलवान सिंह को बुलाओ, बोलो इन दोनों का गड्डी की तरह एक एक पुर्जा अलग कर दे और जब इंजन खोलने की बारी आ जाएगी ना तब मैं आ जाऊंगा। सर जी, 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 सर
वो सुरेंद्र अरोरा से जरूर मिला था और शायद वही अरोरा के साथ उसी की गाड़ी में प्लॉट देखने भी गया था। 6 महीने पहले जब चाकू की नोक पे सुरेंद्र अरोरा की गड्डी चुराने की कोशिश की गई तो बंदे की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, चाबी निकाल ली गड्डी की, खूब हल्ला मचाया, शोर मचाया, जिसके चलते ये दोनों कार चोर पकड़े गए और बाद में सुरेंद्र अरोरा इन दोनों के खिलाफ पूरे जोश से केस लड़ता रहा। लेकिन इस बार जब कार चोरी हुई, सुरेंद्र अरोड़ा का कत्ल हुआ, बंदा कोई शोर नहीं मचाता। सर भिलनगर का वो प्लॉट जहाँ बॉडी मिली हमें, काफी सुनसान इलाका है। पर मेरा ये बात भी तो अभी क्लियर नहीं कि मर्डर वहीं किया गया या कत्ल के बाद बॉडी को वहां लाकर डंप किया गया। सुरेंद्र अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड्स की लोकेशन से हमें पता चलता है कि वो अपने सदर बाजार वाले ऑफिस से कबीर इंडस्ट्री स्ट्रीट गए और उसके बाद भिलनगर। सर शायद सुरेंद्र अरोड़ा ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि उसके मर्डर की प्लानिंग की जा रही है और शायद भिलन नगर के इस सुनसान प्लॉट पे कोई पहले से ही रेडी बैठा था जिस पर ये अरोरा रिएक्ट ही नहीं कर पाया। अगर ऐसा था तो उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में जो बंदा क्लाइंट बनकर आया था उसे ये पहले से पता होना चाहिए था कि सुरेंद्र अरोड़ा को पता है कि भिलन नगर में एक प्लॉट सेल के लिए है जितेंद्र कालरा का, जिसके बहाने वो सुरेंद्र अरोड़ा को भिलन नगर लेकर गया। सर सुरेंद्र अरोड़ा को उस प्लॉट के बारे में पता था, जितेंद्र कालरा ने हमें खुद बताया। 1 साल पहले मैंने वो जमीन बेचनी थी तब मैंने सुरेंद्र को फोन किया था। तो क्या कोई पार्टी लेके आया था सुरेंद्र अरोड़ा इस जमीन की डील के लिए? नहीं मैडम, देखिए सुरेंद्र अरोड़ा कोई छोटे मोटे ब्रोकर टाइप का बंदा तो था नहीं, उसकी अपनी बेशुमार दौलत थी, करोड़ों की जमीन है, एकदम खानदानी। मैंने उन्हें इसलिए कहा था कि उनके बड़े अच्छे तगड़े लोगों से कॉन्टैक्ट थे, मुझे लगा कि मुझे भी कोई अच्छी पार्टी मिल जाएगी। ये जो बंदा उस शाम को सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस में आया था ये पूरी प्लानिंग के साथ आया होगा, जानबूझकर बिना फोन किए। अब सवाल यह है कि यह बंदा खुद अचानक अरोड़ा के ऑफिस आया था या ऐसे किसी ने भेजा होगा। सर इस प्लेन का मकसद कत्ल था ये तो पक्का है, और ये भी पक्का है कि इस कार का कोई ना कोई एंगल जरूर है, लेकिन कत्ल का मोटिव अभी तक हमारे सामने क्लियर नहीं है सर, और ना इस बारे में कोई प्रोग्रेस हुई। उसकी वाइफ कार लैंड कर रही है, शायद उससे कुछ पता चले। वैसे उसके माँ बाप का तो यही कहना है कि उन्हें सुरेंद्र के दोस्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं, और उसके फोन रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। सर अमेरिका में उसकी वाइफ रेखा और यहाँ उसके पेरेंट्स के नंबर्स के अलावा एक नंबर ऐसा है जिसका काफी टू एंड फ्रो ट्रैफिक रहा है कॉल्स का, उस नंबर की डिटेल्स मंगाई है मैंने, हो सकता है कि कोई एंगल निकला है। माँ बाप के हिसाब से ये बंदा रात रात भर बाहर रहता था तो कहीं तो रहता होगा, किसी के साथ तो रहता होगा, और वैसे भी 5 साल से इंडिया में रह रहा है, अमेरिका से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, और लैंड डीलिंग भी अपने शौक के हिसाब से करता था। मेरा कहीं इस बंदे का कोई और शौक तो नहीं था। हाँ जी रजनीश के, हाँ जी बोल रहा हूँ जी, पुलिस। हाँ जी दसो जी। अब ये तो तू कहना ही मत कि सुरेंद्र को तू जानता नहीं है। मैं ऐसे क्यों कहूँगा जनाब, बल्कि मुझे तो ये बात सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा जी कि इतने बड़े बंदे का किसने मर्डर कर दिया। इस बड़े आदमी की काफी छोटी छोटी बातें जानता है तू? ऐसी तो कोई बात नहीं है जनाब। अच्छा, बातें तो सबसे ज्यादा तेरे साथ होती थी, अपने माँ बाप और US में अपनी पत्नी के बाद अगर उसने किसी के साथ बात की है तो वो तू है रजनीश कर। वो तो बस दोस्ती खाते में होती थी जनाब। भिलनगर थाने में हाजिर हो जा, तेरे और सुरेंद्र की दोस्ती के इस खाते का थोड़ा हिसाब किताब चेक करना है मुझे। उतर, अंतिम संस्कार कल होगा। बंटी को बहुत मुश्किल से समझाया, पूरी फ्लाइट में रो रहा था, ना खाना खाया ना पानी पिया, बस रो रहा था। पापा जी ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें लगा रोज की तरह सवेरे वापस लौट आएगा, नहीं आया।
फोन आ गया पुलिस का। ऐसा क्या था इंडिया में जो मेरे लाख कहने पर भी सुरेंद्र न्यूयॉर्क आना ही नहीं चाहते थे? हमने कम बार उसको कहा कि भाई लौट चलते हैं न्यूयॉर्क, सब कुछ वही है, हमारा वही हमारा घर है। पर दोस्ती का ऐसे है जी कि आज से 3 साल पहले सुरेंद्र पाजी ने मेरे को गोदाम किराए पे दिलवाया था जी। मेरा फर्टिलाइजर का बिजनेस है जी, तो बस वहीं पे होगी जी दोस्ती। 19 अप्रैल को आखिरी बार तेरी बात हुई थी ना सुरेंद्र अरोड़ा से? हाँ जी जनाब, हमारा वो पीने का प्लान बन रहा था जी। चीयर्स। पाजी आज ना दबा के शराब पीनी है जी, और ये पटियाला पैग नहीं लगाने, प्योर पंजाबी मोटे वाले पैग लगाने हैं जी। पप्पा जी वैसे भी 3 हफ्ते बाद तो आपकी फैमिली ने आ जाना है, और फिर तो आपके दर्शन दुर्लभ हो जाने हैं जी। खींचो यार, बहुत टेंशन है। बंटी और रेखा दोनों चाहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क वापस लौट जाऊं उनके पास, स्पेशली बंटी। वेर इज द मैन दैट किड आई टेल यू। पाजी वैसे रब भी कितनी पार्शियलिटी करता नहीं, मतलब यहाँ हर दूसरा बंदा ओवरसीज जाने के लिए अपना खून जला रहा है, और एक आप हो अपने दो दो मोटल छोड़ के यहाँ प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हो जी। भाजी आप तो जन्नत छोड़ के आ गए हो वहाँ पे। ओ भाई तेनू किन्ने कहा कि यहाँ जन्नत नहीं है। किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई जान की धमकी? नहीं नहीं जनाब, सुरेंद्र पाजी आपके और मेरे जैसे बड़े डिसेंट टाइप के बंदे थे जी। सुरेंद्र की गड्डी अभी भी गायब है, PV 10 78H9। हाँ जी वो सेडान। हाँ काफ़ी ढूंढी हमने पर हमें मिली नहीं, ऐसा क्या स्पेशल उस गड्डी में? गड्डी में स्पेशल जी जनाब, गड्डी तो गड्डी है जी, लेकिन 6 महीने पहले उसी गड्डी को चुराने की कोशिश की गई थी। हाँ जी बंदे पकड़े भी गए थे। कौन है वो लोग जो उस गड्डी के पीछे पड़े, और ये गड्डी किस चीज में इस्तेमाल होती थी, सुरेंद्र का किस गलत काम में इन्वॉल्वमेंट था बोल। जनाब रुकिए जी, मैं एक बात बता दूंगी आपको कि सुरेंद्र पाजी और मेरी दोस्ती खास वाली कम और शराब पीने वाली ज्यादा थी जी, इसलिए हम लोग शराब पी के बस बकवास ही किया करते थे जी, काम की बात जनाब कभी उठी नहीं जी। शराब पीने के बाद क्या होता है ये हम दोनों जानते हैं, सब कुछ छोड़ जाता है, सारे पर्दे गड़े मुर्दे, यहां तक कि छुपे हुए रिश्ते भी। रजनीश एक आदमी US सिटीजन जिसके बीवी बच्चे माँ बाप सब वहां पर है, उसका सेट बिजनेस वहां पर है, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल से वो यहां पर है लुधियाने में। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा है वो, केवल एक पुश्तैनी जमीन ही संभाल रहे, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अब तू मुझे ये बता वो औरत कौन थी, उसकी जन्नत? अभी इस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ बात नहीं आ रही जी, अगर जहन में कुछ आया तो मैं आपको फोन कर दूंगी। तू याद करने के लिए मुझसे वक्त मांग रहा है या सोचकर जवाब देने के लिए? जनाब याद करने के लिए। अभी क्या खास था उस गड्डी में? मैनू की बता भाई, 6 महीने पहले तेरी मत मारी गई थी जो उस गड्डी को उठाने के बारे में सोचा तूने। ओ भाई दोनों ने मिलकर सोची थी। लेकिन गड्डी सिलेक्ट तो तूने की थी, वही गड्डी क्यों सिलेक्ट की तूने? तेरे से किसी ने कहा था कि वही और सिर्फ वही गड्डी सिलेक्ट करनी है? ओ भूतनी के चरस फूकनी शुरू कर दी तूने, हैं दिमाग खराब हो रहा था? ओ भाई तो फिर क्यों पुलिस बार बार पूछ रही है कि क्या खास था उस गड्डी में, और ये भी कह रही कि उस बंदे का मर्डर उस गड्डी की वजह से हुआ है, मतलब कुछ तो होगा ना? ओ यार जो भी पता है सच बोल दे यार। अरे मेरी बला से जो मर्जी हो, मैं की करूं नाचूं? यार मैं सिर्फ इतना कह रहा कि जो भी पता है सच सच बोल दे जीते, वरना पुलिस वालों ने इतना कुटना है कि नाचना था थोड़ा सी चलना फिरना भी भूल जाएंगे। कैसी लगी पाजी? सोनी है जी, मैनू पसंद है। ओ गड्डी नाम दे वास्ते सेकंड हैंड है जी, चलदी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। किधे बैठ कर डन कर लेते हैं। ले लो फिर जी। वो हमारी बात सुनते ही कांते, बंटी के कहने पर भी वो न्यूयॉर्क लौट के आने ही नहीं चाहते थे। रेखा जी उस कार में ऐसा क्या खास था? कार में? What do you mean? आपके हस्बैंड की कार, ये मिसिंग है। रेखा जी हमें शक है कि उस कार में कुछ तो खास था, या फिर उस कार का इस्तेमाल कुछ ऐसे कामों के लिए हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। I'm sorry, आप क्या कहना चाहते हैं?
समझी नहीं। रेखा जी, आपके पति सुरेंद्र अरोड़ा को यहाँ क्या रोक रहा था या कौन रोक रहा था? जिस बात का शक आपको हुआ है उस बात का शक मुझे भी हुआ था। ओके फाइन सुरेंद्र, मैं तो समझती हूँ, लेकिन तुम अपने ये रीजंस बंटी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ बट लिसन टू मी, तुम और बंटी दोनों आ रहे हो ना यहाँ पर समर ब्रेक में। हाँ लेकिन सुरेंद्र तुम तो नहीं आ रहे हो ना, तुम हमेशा बंटी को प्रॉमिस करते हो फिर प्रॉमिस तोड़ देते हो। तुम्हें पता है मम्मी जी पापा जी हम सब वे फेड अप ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। रेखा मैं तब आऊँगा जब मैं फील करूँगा मुझे आना है, ओके? और रही बात बंटी की, जस्ट टेल हिम कि पापा आ जाएंगे। तुम हमेशा इस फीलिंग के बारे में बात करते हो, क्या फीलिंग है ये? ऐसा क्या है इंडिया में जिसने तुम्हें हम सबसे दूर कर दिया है? रेखा मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। तो यहाँ किसके लिए फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी जो आपके लिए फील करना भूल गया था? मैं नहीं जानती और जानने का कोई जरिया भी नहीं था। बट कोई थी राइट? मुझे सिर्फ शक था और अब तो वो भी मैटर नहीं करता। जब सुरेंद्र ही नहीं रहा तो मैं शक करके क्या करूंगी? सुरेंद्र के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ नहीं मिला सर। सर इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी, मल्टीपल फोन होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई दूसरा फोन था तो वो फोन भी सुरेंद्र की कार की तरह गायब है। लेकिन सर ना तो उसके पेरेंट्स के पास और ना ही उसकी वाइफ के पास इस दूसरे फोन का नंबर है। मेरा ये दूसरा फोन नंबर तो उनके पास तब होता ना अगर सुरेंद्र ने ये नंबर उन्हें कभी दिया होता। सर मैंने इस नंबर के पिछले एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट किए, आते होंगे। हो सकता है कि उन कॉल रिकॉर्ड्स में इस दूसरे सीक्रेट फोन का कोई सुराग सामने आए। मम्मी जी पापा जी आप दोनों भी साथ चलते तो अच्छा रहता। आ जाएंगे पुत्र, तो यहाँ बस खाली पनी बचा है। वो बहुत से कम से मीटर ने बात की है ना, तू चिंता मत करो हम बाद में आ जाएंगे। जल्दी आइएगा। जीते रहो जीते रहो। हाँ जी रजनीश गिल साहब, याद आया कुछ? कोई और नंबर था सुरेंद्र का? जनाब दूसरा नंबर तो नहीं पर एक दूसरी वाली की याद आई है जी। अभी मिलो। मैं 100% तो नहीं कह सकता जी, लेकिन एक बार की बात है जी। बोलो क्या बात है? वो ड्रिंक्स के बीचों बीच एक अलग तरह की तलब लगी जी, तो मैंने ही बात छेड़ी। पाजी जेके क्लब के बारे में सुना आपने? मैंने सुना कमाल की बंदियां बैठती हैं जी वहाँ, सब कुछ अरेंज हो जाता है जी, टॉप क्लास। देखो पाजी मना मत करना जी, देखो मैं ठहरा बैचलर बंदा जी और आप लॉन्ग डिस्टेंस शादीशुदा बंदे, आजकल तो बैचलर ही हो तो चलेंगे। गिलास हो या फिर कुरी, जब तलब लगे तब मिलनी चाहिए, वो भी खास एक्सक्लूसिव। और हम इस मामले में सेट हैं बॉस, ना कभी मैं खाना ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही गोरी का मकान। अपना एक ठिकाना यहाँ है तो एक ठिकाना वहाँ, और हम तो वाकई इंटरनेशनल हैं। कमाल की बात है पाजी, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं जी। कौन है यहाँ का ठिकाना? है एक डॉक्टर और मेरी तरह लॉन्ग डिस्टेंस शादी में है और हस्बैंड कहीं जंगल में पोस्टेड है। कैसी है? दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ओके पर है कौन पाजी? यार मेरी तरह है, लोनली है, अकेली है, पर कोई चीपनेस नहीं है यार, दिल का मामला है, यू नो सोल टू सोल कनेक्शन। सच कहूँ तो मेरे को तो कोई दिल विल का मामला नहीं लगता जी। नहीं मेरा मतलब है सुरेंद्र पाजी ऐसे रोमांटिक टाइप के बंदे थे ही नहीं जी, ये तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो ये एक बात याद आ गई जी। पर नाम नहीं बताया सुरेंद्र ने? डॉक्टर, हस्बैंड जंगल में पोस्टेड। डॉक्टर जी,
डॉक्टर। आई एम सॉरी लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। सुरेंद्र वॉज अ हेल्दी मैन, उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और आप कह रही हैं कि उनका किसी डॉक्टर के साथ कुछ, फ्रैंकली मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाज, हमको तो कुछ नहीं पता। कोई डॉक्टर दोस्त थी सुरेंद्र की जिसके पास सुरेंद्र अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा रहा था? कोई हेल्थ प्रॉब्लम कभी पिछले 5 साल में उसे, कोई बुखार बुखार, कोई एलर्जी, बीपी या फिर कोई रेगुलर चेकअप, कुछ भी? खोदना शुरू कर दे सुरजीत। लेडी डॉक्टर अपने लुधियाने की, उसका पति किसी जंगल में पोस्टेड है। सर जी, जंगल की पोस्टिंग का मतलब या तो CRPF में होगा या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। सर जी, अपने लुधियाना में सैकड़ों लेडी डॉक्टर होंगी, सरकारी प्राइवेट, ऊपर से हर सड़क पर एक क्लिनिक है वो अलग। पर उनमें से ऐसी कितनी होंगी जिनके पति की पोस्टिंग जंगल में है? हाँ, वो भी तो है सर जी। वो ही है, जान लड़ा दे। कैसी बात करती है मैडम, अब किसी लेडी के शक्ल पे थोड़ा लिखा होगा कि वो लेडी डॉक्टर है। हाँ, पर कोई मिलने आती थी क्या? अब उतने भी वेले नहीं है ना मैडम कि हर बंदे या बंदी पर नजर रखे। अब जो रोज दिख जाता वही याद रहता है। क्यों, तो तेरी जबान तेरे काबू में नहीं रहती क्यों? ना ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जुबान में ताला लगा लूंगा। अरे कितों ताला ढूंढता फिरेगा, तेरे मुंह में लोहा भर देता हूं, ते खुलने का कोई चांस ही नहीं। सर, सुरजीत और उसके खबरियों की टोली लगी तो है फुल फोर्स में, लेकिन एक लेडी डॉक्टर जिसके हस्बैंड की पोस्टिंग जंगल में, काफी फैली रिक्वायरमेंट है सर। सर, सुरेंद्र अरोरा के ऑफिस में भी किसी औरत के आने जाने की खबर नहीं मिल रही। ये जो रजनीश गिल है, इसने सिर्फ एक तुक्का मारा, अब ये तुक्का सही है ये हमें गुमराह करने वाला। सर, 99% सुरेंद्र को ये लेडी डॉक्टर इलाज के दौरान मिली होगी, कोई रूटीन चेकअप। लेकिन अगर उसे कोई सीरियस बीमारी होती तो उसके पेरेंट्स को या उसकी वाइफ रेखा को जरूर पता होता सर। मेरा जरूरी नहीं, क्योंकि सुरेंद्र अरोड़ा की बहुत सी सीरियस बातें उसके माँ बाप को या उसकी वाइफ को नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल, उसके काम के बारे में, उसके इंडिया में रहने की जिद के बारे में, हमें इन तीनों से क्या मिला, क्या लीड्स मिले? जीरो। सर, एक बार घर की तलाशी ले लेते हैं, हो सकता है हमें वहीं से कुछ मिल जाए। के मेडिकल रिपोर्ट तलाश कर रहे हैं। किस वास्ते? सुरेंद्र नु की पारी सी? मैनू की पता। हरजीत जी, परमजीत जी, आपके बेटे सुरेंद्र को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन? उसने हमको तो कभी नहीं बताया जी। पर हमने उसको कभी तकलीफ में नहीं देखा। पर मेडिकल रिपोर्ट तो यही कह रही है कि पिछले 3 साल से उसका माइग्रेन का इलाज चल रहा था। नेक्स्ट टूजडे। और बिल्कुल सही पकड़े हैं सर जी, ये डॉक्टर नुपुल बंसल का हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश बंसल है, अभी देहरादून के जंगलों में पोस्टेड है।
जी, सुरेंद्र अरोड़ा मेरे पेशेंट थे। जी जी, माइग्रेन की शिकायत थी। डॉक्टर बंसल, आई एम श्योर आप जानती ही होंगी, सुरेंद्र अरोड़ा का मर्डर हो गया एक महीना पहले। जी जानती हूँ इंस्पेक्टर, पेपर में पढ़ा था। आप सुरेंद्र को काफी करीब से जानती थी? एज अ पेशेंट यस। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स होती थी? वो कॉल करता था? नो ऑफिसर, रेगुलर पेशेंट के लिए एक डे फिक्स होता और टाइम मेरी सेक्रेटरी अलॉट करती है। डॉक्टर बंसल, हमें आपसे बात करनी है फेस टू फेस। किस बारे में? जिस बारे में फोन किया, सुरेंद्र अरोड़ा। ऑफिसर, मैं जितना जानती थी उतना बता चुकी हूँ आपको, बट हमें और जानना है। डॉक्टर बंसल, डॉक्टर बंसल अपलाइन पे हैं? जी सॉरी, मैं वो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट चेक कर रही थी कि मैं आपसे कब मिल सकती हूँ। डॉक्टर, हमें अभी मिलना है। देखिए ऑफिसर, बाहर पेशेंट्स की कतार लगी हुई है, लोग दूर दूर से आते हैं, सीरियस इश्यूज हैं उनके। मैं कल या परसों में मिल सकती हूँ आपको। कॉन्फिडेंट बनने की फुल कोशिश हो रही है। मेरा सोनिया, इस एंगल से कुछ मिल सकता है। सबसे पहले डॉक्टर नूपुर के कॉलिंग को एक्सटेंड करते हैं सर, जहां पर भी शक हो उस एंगल को रेडी करते हैं। बिल्कुल, जैसे ही कुछ मिलेगा क्लिनिक से उठा लेंगे। जरा डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। और वो कार उस एंगल से स्पॉटलाइट अब लव अफेयर पर आ गया था। शायद रजनीश ने स्पॉटलाइट खुद ही चेंज किया था, इस कार से फोकस हटाने के लिए इस डॉक्टर वाले एंगल को उठाया था। क्या वो खेल रहा था? केस के इस पॉइंट पर सब कुछ अंधेरे में था, सिवाय इस बात के कि सुरेंद्र अरोड़ा का ब्रूटल मर्डर किया गया था। कार वाला एंगल क्या था, अफेयर वाला एंगल क्या था, मर्डर का मोटिव क्या रहा होगा, ये सब कुछ क्रैक होना अभी बाकी था। और आखिरकार क्रैक हुआ। पैसा इन्वॉल्व था, किराए के लोग इन्वॉल्व थे, और ये सब कुछ तब रोशनी में आया जब हम हर उस लीड के पीछे हाथ धोकर पड़ गए जिस पर शक का साया गुजरा। जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। जो भी पूछना है थोड़ा क्विकली ऑफिसर, मुझे हॉस्पिटल जाना है, दो इमरजेंसी केस है। सुरेंद्र अरोड़ा के मर्डर के बाद ना तो आप उनके घर पे कहीं नजर आई और ना ही उनके अंतिम संस्कार में शरीक हुई। ऑफिसर, मिस्टर अरोड़ा मेरे पेशेंट थे, मेरे सैकड़ों पेशेंट्स में से एक। राकेश बंसल हमारे एक सीनियर ऑफिसर है। आपको यह स्पेसिफाई करना होगा कि आपको उनसे क्या बात करनी है। मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी है। लुधियाना में हुए मर्डर का हमारे देहरादून बेस्ड ऑफिसर से क्या ताल्लुक है? सर, विक्टिम सुरेंद्र अरोड़ा आपके राकेश बंसल की पत्नी डॉक्टर नूपुर बंसल का पेशेंट था। एक मेडिको लीगल केस में आप हमारे ऑफिसर को क्यों घसीट रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कंसर्न डॉक्टर हमारे ऑफिसर की बीवी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें शक है कि डॉक्टर नूपुर बंसल और सुरेंद्र अरोड़ा के बीच का रिश्ता एक डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते को क्रॉस कर गया था। अब आप प्रोटोकॉल की लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कोई ढंग का कारण दीजिए। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी सर, जो एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में होती है, दैट्स ऑल। पर हमने सुना आप दोनों के बीच कुछ था, कुछ और? गलत सुना है आपने, कुछ और। मैं चलो, मुझे देर हो रही है। फेस टू फेस भी वही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रही है मेरा, पर हिल गई है पक्का। कुछ ना कुछ तो जरूर था इस डॉक्टर नूपुर बंसल और सुरेंद्र अरोड़ा के बीच में। और सर, यहाँ भी फॉरेस्ट ऑफिस रेंजर कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ठोस सबूत ले आओ, जो कि फ्रैंकली इस वक्त हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना इस रजनीश गिल ने हमें बताया है। हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, हर स्टेट में तफ्तीश चल रही है सर, लेकिन इस कार की कोई खबर नहीं। अभी तक तो उन्होंने कार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया होगा, पुर्जा पुर्जा निकाल के देश के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया होगा। पर सुरेंद्र अरोड़ा का डॉक्टर नूपुर बंसल से अफेयर और ये कार, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद सुपारी डील में शामिल होगी ये कार सर, किराए के हत्यारों ने अपने लिए रखी होगी। पर सुपारी मार्केट से इन्फॉर्मेशन तो जीरो है। जितना बैलेंस यहाँ आपके अकाउंट में शो कर रहा है ये पूरा उतना ही है जितना आपने ऑनलाइन चेक किया।
जी कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया हो? सर अगर ऐसा हुआ होता तो आपको SMS या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती। जी ओए गल सुनो, ये बैंक शैंक दी गल्ला ना कर मेरे सामने। मैंने अपना काम कर दिया है, हुन मैनू मेरे पैसे चाहिए। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? एक बार याद आ जान दो अकाउंट में, जैसे पैसे आएंगे आपको आपका हिस्सा दे दूंगा मैं। इतने हिस्से कराऊंगा तेरे कि तेरे घर वाले भी गिन गिन के थक जाएं। देखो पाजी, ये धमकी वमकी ना दो, ये तेरी असलियत होने वाली है। साडा काम बोलता है और उस तो ऊंचा साडा गुस्सा बोलता है। दिमाग खराब ना कर मेरा, पैसे दे मैनू बस। ये नंबर नूपुर बंसल के कॉल रिकॉर्ड में बार बार दिखाई दिया है और यही है सुरेंद्र अरोड़ा का दूसरा नंबर, सीक्रेट वाला। तो ये है वो नंबर जिससे सुरेंद्र अरोड़ा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नूपुर बंसल से बात करता था। और मैडम क्या कहती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला। मैं बता चुकी हूँ मुझे जो कुछ भी बताना था, और कुछ भी नहीं है जानने जैसा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझना तो आपको है मैडम कि हमें सब कुछ समझ में आ चुका, और वो भी सबूतों के साथ। बेहतर होगा आप खुद यहाँ आ जाएं, वरना मैं वहां आ जाऊंगा वारंट लेके और आपको यहाँ लेकर आऊंगा। सर डॉक्टर बंसल के फोन रिकॉर्ड्स के बाकी दूसरे नंबर भी स्कैन किए, ऑल क्लीन सर, सभी पेशेंट्स के नंबर हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ जरूर जानती है, पर ये प्लॉटिंग ये मर्डर किसी और का किया कराया है सोनिया। थैंक यू वेरी मच सर। सोनिया, फॉरेस्ट गार्ड राकेश बंसल का नंबर मिल गया, नंबर मार्क्ड है। इस नंबर पर आपकी हर रोज बात होती थी। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड था? सुरेंद्र अरोड़ा, जिसके साथ आपके स्ट्रिक्टली डॉक्टर पेशेंट वाले रिलेशन थे। और ये सुरेंद्र अरोड़ा का दूसरा नंबर, जो किसी के पास नहीं है, ना उसके माँ बाप के पास, ना उसकी बीवी के पास। वो एक ही नंबर पर बात करता था, किससे? स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल डॉक्टर नूपुर बंसल से। सुरेंद्र अरोड़ा मेरे पेशेंट थे, और हाँ मेरी उनसे दोस्ती भी हुई थी। दोस्ती पहले हुई या बीमारी? पेशेंट पहले, दोस्ती बाद में। अब जरा इस दोस्ती का डायग्नोसिस करें। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिसर, दोस्ती थी क्लीन और हार्मलेस, पर मेरा उनके मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं। डॉक्टर नूपुर, आपके और आपके हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश बंसल के बीच में काफ़ी दूरियाँ, लुधियाना से देहरादून नेशनल हाईवे 7 260 किलोमीटर। जी, पर मेरे पति का इन सब से कोई लेना देना नहीं, सो प्लीज़ आप उन्हें इससे दूर रखें, आई रिक्वेस्ट। जिस तरह से आपके लिए पेशेंट होते हैं वैसे ही हमारे क्रिमिनल होते हैं। आप उन्हें हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाती हैं और हम हमारे क्रिमिनल को यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि बिना इंजेक्शन लगाए कोई अपना जुर्म कबूल ही नहीं करता। हर कोई यही कहता है मैंने ये नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कितने कॉन्फिडेंस से मेरी आंखों में आंखें डालकर आप ये कह रही हैं कि सुरेंद्र अरोड़ा के कत्ल से आपका कोई ताल्लुक नहीं। जी मैंने कहा क्योंकि यही सच है, मिस्टर अरोड़ा के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, पर मेरी दोस्ती उनसे ज़रूर थी। पर पहले आपने इसी दोस्ती से इनकार किया था? जी किया था, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, साथ में एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर भी हूँ, उसके साथ साथ एक इंसान भी हूँ। इंसानी तनाइयों के लिए कभी कभी दोस्ती ज़रूरी होती, और यही बीमारी मिस्टर अरोड़ा को भी थी। और यही बीमारी मिस्टर अरोड़ा की बीवी रेखा अरोड़ा को थी, उनके 12 साल के बच्चे को थी, लेकिन वो 5 साल से इंडिया में जमा बैठा था। सर ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। उसकी पर्सनल चॉइस आप थी। लाइफ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, पर मौत होती है। मर्डर तो डेफिनेटली ब्लैक होता है, जो आपने करवाया अपने दोस्त का। अब आप सीधे सीधे ये बताइए, सुपारी किसे दी? मैंने नहीं मरवाया सुरेंद्र अरोड़ा को। तो फिर हमें आपके हस्बैंड राकेश बंसल से बात करनी पड़ेगी। सर राकेश, मेरे लिए भी ये ऑकवर्ड है, बट रूल्स आर रूल्स।
मुझे तुम्हारा नंबर लुधियाना पुलिस को देना पड़ा। क्यों सर? वो कह रहे थे कि एक मर्डर केस है किसी सुरेंद्र अरोरा का, जो तुम्हारी पत्नी नूपुर का पेशेंट था। सो उससे मेरा क्या कनेक्शन सर? मैंने भी उनसे यही पूछा, पर वो जिद कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को मेरी इस दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्ती थी ना, पता भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता? दोस्ती थी पर इतनी ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं थी। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में होता है ग्रे। तो डॉक्टर नूपुर, अब आप मुझे इस ग्रे का शेड समझाइए। अब बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं ऑफिसर। डॉक्टर साहिबा, हम एक मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। हमारा अफेयर नहीं था इंस्पेक्टर, हम एक दूसरे के साथ सोते नहीं थे, केवल मिलते थे, बातें करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, क्योंकि हम अधूरे थे, शायद बहुत ज्यादा अधूरे थे। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। थैंक्स। तो वो लोग पूरे 2 महीने यहाँ रहने वाले? दैट्स करेक्ट। दरअसल फिर बंटी के स्कूल शुरू हो जाएंगे और वो यहाँ से जाते वक्त बहुत जिद करने वाला है मुझसे कि मैं उसके साथ न्यूयॉर्क वापस लौट जाऊँ। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द होता है। मेरी जान है मेरा बंटी, पर मेरा वापस लौटने का मन ही नहीं करता। हम एक दूसरे को सब कुछ बताते थे, ऐसा कह लीजिए कि एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे, पर वो नहीं जो आप साबित करना चाहते। साबित करना तो वकीलों का काम होता है, हम तो यहाँ एक लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं। डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर अदालत में पेश कर देते हैं। हर सस्पेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं, हर सबूत के सैंपल की बाल की खाल निकालते हैं और पॉसिबिलिटी तलाश करते हैं। और इस वक्त हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे हैं आप, और पॉसिबिलिटी है जलन। पर मैंने कोई जेलसी नहीं फील की, मैं मैरिड हूँ और मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है। मैंने आपकी जलन की बात कब की? देहरादून यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। राकेश यहाँ पर 6 महीने में हार्डली 15 दिन के लिए आते हैं, ऑब्वियस सी बात है मैं उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में क्यों बताऊंगी? पर ये तो ऑब्वियस नहीं है ना कि आप नहीं बताएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। वैसे तो ये भी ऑब्वियस नहीं कि सुरेंद्र ने रेखा को इस बारे में कुछ ना बताया। और जब हम रिश्ते और जेलसी की बात करते हैं ऑफिसर, तो न्यूयॉर्क भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नजर रखो जरा डॉक्टर नूपुर बंसल पर, मैं इसे रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। सर, इस राकेश बंसल के कॉल रिकॉर्ड्स स्कैन हो रहे हैं, पता चलेगा कि सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का अरेंजमेंट कहीं इसका ही तो नहीं था। डॉक्टर नूपुर बंसल ने रेखा अरोड़ा की तरफ इशारा किया, जबकि रेखा अरोड़ा का कहना है कि उसे शक था कि सुरेंद्र की लाइफ में कोई और आ गई थी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे सिर्फ शक था। मैडम, कुछ तो पता चला होगा किसने मारा हमारे पुत्र को। अभी छानबीन चल रही है, लेकिन हरजीत जी एक बात साफ साफ बताइए, क्या आपको, आपकी पत्नी को या रेखा जी को इस नूपुर बंसल के बारे में कभी कुछ मालूम नहीं था? हमको तो कभी सुरेंद्र ने अपनी ये माइग्रेन वाली बात बताई नहीं, हर चीज अपने अंदर ही रखता था। रेखा को भी कुछ नहीं बताता था। हरजीत जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरेंद्र की यहाँ पर टिक कर रहने की जिद आपको कभी खटकी नहीं? देखिए हरजीत जी, कोई तो बात थी जिसकी वजह से आपका बेटा सुरेंद्र पिछले 5 साल से न्यूयॉर्क वापस जाने से मना कर रहा था। वो वहीं पैदा हुआ था जी, और हम सब साथ साथ इकट्ठे रहते थे। रेखा, वो भी वहीं से? हाँ जी, लव मैरिज थी, हमने तुरंत ही हाँ कह दिया था। वो दूसरे पति पत्नियों की तरह उनमें भी झगड़े होते थे। बंटी रो रहा था तुम्हारे लिए और रोते रोते सो गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। मैं जल्दी आऊं इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो, और इतना लेट। तुम हर वीकेंड बाहर रहते हो, इनफैक्ट कभी कभी तो सुबह वापस आते हो। मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा तुमसे।
आज एक दिन एक रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। रेखा, शादी के बाद तुम बहुत चेंज हो गई हो। रॉन्ग। शादी के बाद हम चेंज हो गए, हर कोई बदल जाता है। तुम इतना लेट आते हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं टोका। तुम्हारा लेट आना और मेरा लेट आना, इट्स नॉट सेम रेखा। रियली? व्हाई? रेखा का अपना इंडिपेंडेंट जॉब है, सुरेंद्र हमारे दो मोटल संभालता था। दोनों का कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता, बस मैं क्या बताऊं, इतने झगड़े होते थे। कमरे अलग हो गए थे। फिर एक दिन सुरेंद्र सुबह उठा, बोला कि मैंने इंडिया का टिकट कटा लिया, लुधियाना जाऊंगा, वहां जाके सारी प्रॉपर्टी संभालूंगा, और फिर वो यहां आ गया। सर, इस राकेश बंसल के कॉलिकॉर्ड से भी कुछ नहीं निकला है। हिकमे ना हो गया, ना तो हमारे पास इस लव स्टोरी पर कुसराग है और ना ही गड्डी का सस्पेंस खुला है। हरदेव खोसला और अजीत मलिक, इन दोनों कारचोरों को हालांकि मैंने बहुत कूटा है सर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस केस में इनका कोई भी हाथ है। सर, सुरेंद्र के पेरेंट्स न्यूयॉर्क वापस जाना चाहते हैं। वो अपने इकलौते बेटे के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही वापस लौटेंगे। रोको उन्हें। यस सर। उन्होंने सोनिया को बताया सर कि सुरेंद्र और रेखा की शादी न्यूयॉर्क में ही काफी डामाडोल थी, आपस में काफी लड़ते थे दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि रेखा ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे ही रिमोट कंट्रोल से सुरेंद्र का खात्मा करवा दिया? अगर ऐसा हुआ है तो प्लानिंग हुई होगी एक साल पहले, जब रेखा बंटी की छुट्टियों में यहां आई होगी। फायदा सोचो, सुरेंद्र अरोड़ा को मारकर रेखा को क्या फायदा होता? यही कि सुरेंद्र की सारी प्रॉपर्टी रेखा को मिल जाती, लेकिन वो तो वैसे भी उसे ही मिलनी है। सर, ऐसा तभी होता जब रेखा उसकी बीवी बनी रहती, पर अगर यहां पे सुरेंद्र ने ये प्लान कर रखा हो कि वो रेखा को तलाक देके नूपुर से शादी कर लेगा, फिर तो सर रेखा को काफी भारी नुकसान होता और शायद उसे इसी प्लानिंग की खबर पहले लग गई होगी। वैसे रेखा अरोड़ा ने पहली क्वेश्चनिंग में हमें हिंट तो दिया था कि उसे शक है कि सुरेंद्र अरोड़ा का कोई अफेयर हो सकता है। इस रेखा वाले नए एंगल को टटोलना थोड़ा टफ होगा, एक तो वो अमेरिका में और दूसरा हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई लीड भी नहीं है। लीड तो हमारे पास वैसे भी किसी एंगल पर नहीं है मेरा, टटोलते हैं। दिस इज टू मच इंस्पेक्टर, आप घूम फिर कर मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप मेरी मैरिड लाइफ पर कितना बड़ा स्ट्रेन डाल रहे हैं? स्ट्रेन हमारी वजह से नहीं पड़ रहा नूपुर जी, जिस आदमी के साथ आपका दोस्ती का रिश्ता था उसका कत्ल हुआ और उसने एक साथ कई पिटारे खोले कई लोगों के, तो प्लीज आप उन कई लोगों पर फोकस कीजिए और मुझे बख्श दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मिस्टर अरोरा के साथ केवल मेरी दोस्ती थी। हाँ, अगर हम सिंगल होते तो जरूर रोमांस या फ्यूचर की संभावनाएं थी, पर मैं पहले से क्लियर कर चुकी थी कि मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती, और मिस्टर अरोरा भी सेम ख्याल रखते थे। अब उनकी वाइफ को उन्हें लेकर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो मैं नहीं जानती, और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम्स कभी मुझसे शेयर नहीं की। आप कह रहे हैं कि हमारी बहू ने हमारे बेटे का? हरजीत जी, हम कह कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, क्या आपकी बहू रेखा ऐसा कुछ कर सकती है? अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बहू रेखा न्यूयॉर्क से यहां आती है लुधियाने में, तब कोई ना कोई लोकल नंबर तो यूज करती होगी यहां का? वो हमें नहीं पता, हमारे पास तो एक ही नंबर है उसका, न्यूयॉर्क वाला। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा, रेखा फॉरेन नेशनल थी, ऊपर से यूएस सिटीजन, उसके कम्युनिकेशंस को इन्वेस्टिगेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। शायद उसी वजह से आप इस मर्डर प्लान को किसी भी फोन रिकॉर्ड में सामने नहीं ला पा रहे थे। दरअसल उस केस में हर तरफ से ब्लैंक रिस्पांस आ रहा था, हमारी जी तोड़ इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हम उस आदमी के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे थे जो कत्ल की शाम सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस आया था। सुरेंद्र अरोड़ा के कत्ल का प्लान जरूर किया गया था, लेकिन साथ ही साइमल्टेनियसली लुधियाना में कुछ और भी हो रहा था, एक और मर्डर, पर हम इस मर्डर का लिंक सुरेंद्र अरोड़ा के मर्डर के साथ नहीं जमा पा रहे थे। और वो दूसरा मर्डर केस किसी अलग पुलिस स्टेशन में रहा होगा। हाँ, और हमारे केस का असली ब्रेक थ्रू उस केस फाइल में पड़ा हुआ था, पर हम उस केस तक डायरेक्टली नहीं पहुंचे। नेचुरली
डेड एंड तक पहुंचने की फ्रस्ट्रेशन सेट होनी शुरू हो गई थी, और फिर मेरी मुलाकात मेरे एक बैचमेट से हुई। इस मुलाकात ने इस केस को देखने का एक नया नजरिया पेश किया। गुरदीप, रेखा अरोड़ा यूएस सिटीजन है, इस वक्त वहीं पर है। क्वेश्चनिंग के लिए उसे यहां लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, बल्कि टोटली इम्पॉसिबल है। अगर लाना भी चाहूं तो केस नहीं बनता, क्योंकि भी सिर्फ इतनी जानकारी है कि पति पत्नी दोनों लड़ते थे। ये रेखा अरोड़ा हर साल आती थी अपने बच्चे बंटी के साथ 2-3 महीने के लिए, तो उस वक्त जो वो लोकल नंबर यूज करती थी वो नंबर तेरे हाथ नहीं लगा? उसके पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें उस नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं, और अपने पास और कोई जरिया नहीं है उस नंबर को हासिल करने का। ये एक परेशानी है जरूर, तेरे हाथ में एक एंगल है जिसे तू ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली, ये जो अमेरिका वाली फोन कंपनी है वो रेखा अरोड़ा के फोन रिकॉर्ड्स कभी नहीं देगी, कम से कम स्कैन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। इस रेखा अरोड़ा को न्यूयॉर्क वापस नहीं जाने देना चाहिए था। अगर तू इस रेखा अरोड़ा को सस्पेक्ट मानकर चल रहा है तो एक तरीका है, पर थोड़ा पागलो जैसा। बोल, वैसे भी इस केस ने कौन सा काम पागल कर रखा? जो बंदा सुरेंद्र अरोड़ा से मिलने आया, मान ले वो एक्स है, तो इस रेखा अरोड़ा ने इस एक्स को सुपारी दी होगी सुरेंद्र अरोड़ा को मारने के लिए। और किसी को सुपारी मिलने की अफवाह तक नहीं। सुपारी न्यूयॉर्क से दी गई होगी ना, अब वहां से किसी प्लास्टिक या न्यूज़पेपर में कैश लपेट कर तो भेजा नहीं होगा, किसी और तरीके से एडवांस ट्रांसफर किया होगा, और फिर काम खत्म हो जाने के बाद बाकी का बैलेंस। आगे बोल। तो इस रेखा अरोड़ा ने वहां से सुपारी कॉन्ट्रैक्टर से बात की होगी। लेकिन अनिल, हम फिर उसी पॉइंट पे आ गए, अमेरिका वाली कंपनी से रेखा अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ना मिले, पर यहां के तो फोन रिकॉर्ड्स मिलेंगे ना। कौन से नंबर की बात कर रहा? लुधियाना में जितनी भी फोन कंपनीज के नेटवर्क है, छोटे बड़े ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे, उन सबको रेखा का ये यूएस वाला नंबर दे और उनको स्टैंडिंग ऑर्डर दे कि वो पता करें कि ये नंबर उनके किस कस्टमर के फोन रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अनिल, लाखों नंबर होंगे। अगर रेखा ने साजिश की है तो उसने यहां सुपारी कॉन्ट्रैक्टर से बात की होगी, या किसी ना किसी से तो बात की होगी, तो उसका वो नंबर यहां के लोकल नंबर के फोन रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगा। बस तेरे हाथ कुछ ना कुछ ऐसा लग जाएगा जिससे तेरा केस आगे बढ़ सके। उस कस्टमर की डिटेल्स निकाल, उठा सा लेनू। पागल आइडिया पर है काम का। सर, ऑल इन ऑल लुधियाना सिटी में तकरीबन 6 सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और सर सभी के नंबर्स अगर काउंट करने बैठे तो पोस्टपेड और प्रीपेड मिला के कुछ लाखों में सिम कार्ड होंगे। बिल्कुल। अब इन 6 के 6 सर्विस प्रोवाइडर्स के सिटी हेड से बात करो और उन्हें ये न्यूयॉर्क का नंबर दो 00121987856, और उनसे कहो कि ये नंबर अपने सिस्टम में रन करें और पता लगाएं कि इस नंबर से उनके कौन से सिम पर कितने कॉल किए गए मर्डर के पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेखा अरोड़ा कब से उनके कॉन्टैक्ट में होगी। लेकिन 2 अप्रैल के बाद, मर्डर के बाद, इन्फॉर्म करने के लिए और बकाया अमाउंट की डिलीवरी के लिए कई फोन किए गए होंगे, जरूर किए गए होंगे। सर, ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। पर फिर भी ये तीर चलाना है, और पूरे जोश के साथ चलाना, इतने जोश के साथ कि तीर लुधियाना से सीधा न्यूयॉर्क जाना चाहिए। मैं सब इंस्पेक्टर विकास मेहरा बोल रहा हूँ। आई नो ये इम्पॉसिबल जैसा है, बट ये इम्पॉसिबल है नहीं। हाँ जी, दैट्स राइट, न्यूयॉर्क का नंबर है ये, नोट कीजिए। आप अपने ऑफिस से एक अर्जेंट ऑर्डर इशू कर दीजिए ताकि मूवमेंट जल्द से जल्द हो। यस, बहुत बड़ा काम है, हमारे पास इस एंगल को रूल आउट करने का और कोई तरीका नहीं। पुत्र, वो पुलिस ने रुकने के लिए कहा है। लेकिन क्यों पापा जी? वो कह रहे हैं कि हम तब तक इस घर में रहें जब तक सुरेंद्र के कातिल को पकड़ नहीं लिया जाता। अरे ये क्या बात हुई, वो 6 महीने लेंगे तो क्या आप दोनों 6 महीने वहीं रहेंगे? बात तो तेरी सही है, लेकिन अब उन्होंने कहा है ना। ठीक है पापा जी, लेकिन मेक श्योर कि मम्मी जी अपना इंसुलिन ना भूलें, और आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है पुत्र। क्या अब भी पुलिस रेखा से शक कर रही है? पता नहीं परमजीत, मैंने तो डर लग रहा है। इन दोनों के बीच में वाकई ऐसा कुछ हुआ था क्या? कोई ऐसी बात? चौदह अप्रैल को अमेरिका से फोन आया, 2 अप्रैल को यहां से अमेरिका फोन किया गया रेखा अरोड़ा के नंबर पर। उसके बाद 9 मई को, और रेखा अरोड़ा के फोन पर आखिरी कॉल
16 मई को किया गया, घास के बोरे में नहीं, घास के खेत से सुई निकली। और ये नंबर 4432143321 किसी संदीप पुनिया के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवा। रघुवीर राणा, संदीप पुनिया। सर, संदीप पुनिया सुरेंद्र अरोरा को जानता है, पर उसका नंबर सुरेंद्र अरोरा के दोनों फोन रिकॉर्ड्स में नहीं शो करता, पिछले एक साल के रिकॉर्ड्स में भी नहीं। तो फिर दोनों में कनेक्शन क्या है? सर, 3 साल पहले सुरेंद्र अरोरा के फादर हरजीत जी ने अपनी कोठी के पास एक शॉप में इन्वेस्ट किया था। ये तो वो संदीप है, ये हमारा किराएदार हुआ करता था जी, 3 साल पहले सुरेंद्र ने मिलाया था इससे। पापा जी, ये संदीप है, अपनी चंदन कॉलोनी वाली दुकान किराए पे ले रहा है। सत श्री अकाल बाबूजी। सत श्री अकाल पुत्र। 1.5-2 साल पहले इसने दुकान को बंद कर दिया, गारमेंट्स का काम हुआ करता था इसका, और फिर सुरेंद्र ने दुकान को बेच दिया। संदीप का सुरेंद्र के मर्डर से क्या वास्ता है जी? हरजीत जी, अभी वो पता लगाना बाकी है। और ये रघुवीर राणा? ये रघुवीर रेगुलरली फीचर होता है सर संदीप पुनिया के नंबर पर, दोनों टच में। और ये कनेक्शन एकदम फिट बैठता है सर, रघुवीर राणा और संदीप पुनिया का फोन लोकेशन 22 अप्रैल को तकरीबन 4 बजे से 5:30 बजे भिलन नगर का शो कर रहा है। इस वक्त दोनों के फोन एक्टिव है सर, ये रघुवीर राणा खुद की टैक्सी चलाता और ये संदीप पुनिया फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा, वेला है। सर, कोई तीसरा भी जरूर होना चाहिए सर। फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग कत्ल की शाम 4 बजे रघुवीर राणा और संदीप पुनिया भिलन नगर के प्लॉट पे मौजूद थे, फिर सुरेंद्र अरोरा वहां पहुंचा शाम 5 बजे अपने ऑफिस से। पहले सुरेंद्र अपने कबीर इंडस्ट्रियल वाले प्लॉट पे पहुंचा, फिर वो जितेंद्र कालरा के भिल्लर नगर वाले प्लॉट पे पहुंचा शाम 5 बजे। ये रघुवीर राणा और संदीप पुनिया, दोनों के बैंक स्टेटमेंट निकलवा, इस बार हमारे हाथ ठोस लीड लगे। आई एम श्योर ये लीड हमें रेखा अरोड़ा तक जरूर लेके जाएंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बैठिए, बताइए। प्लॉट लेना है जी। कितना बड़ा? 400-500 लोगों का वर्कशॉप है जी, अच्छी खासी वड्डी जगह चाहिए थी। जैसा प्लॉट आपको चाहिए है, वैसे एक नहीं कहीं है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं कल सुबह देख लेते हैं। नहीं जी, आज ही चलना है, आज दिखा दूं मैं, बहुत अर्जेंट है जी, कल सीओ साहब देख लेंगे हमारे। आप चाय पीजिए गर्मा गर्म, फिर निकलते हैं आराम से। साढ़े 4:11 आएंगे आएंगे आएंगे। कब तक यार? अब तक तो ठंड रखी यार, मैं कहता ना एक बारी आएंगे। ये है साड़ी जमीन, ये पूरी आपकी वर्कशॉप के लिए एकदम चंगी रहेगी। जमीन तो चंगी है जी, पर मैंने थोड़ी छोटी लग दी है। छोटी कहाँ है सर, ये देखो कितनी बड़ी है। उसी काम करो, उतर कर मेरे साथ एक राउंड मार लो। ओ अरोरा जी, मैं की कहना, भीलन नगर के आसपास कोई जमीन है वो दिखाओ मैंने। भीलन नगर है तो पाजी एक प्रॉपर्टी, पर मेरी नहीं है, खैर मेरे एक जान पहचान वाले की है। ओ कोई गल नहीं, तुसी चलो 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 तुसी। पाजी अभी मैंने घर जान दो, भीलन नगर वाली प्रॉपर्टी कल देख लेंगे, और साथ के साथ मैं ऑनर को बुला लूंगा। ओ जी, भीलन नगर है कि नहीं दूर, यूं गए थे यूं आ गए। पाजी यूं और यूं में आधा घंटा लग जाना है। कोई नहीं, आधा घंटा ही, बात तो में निकल जाना है, चलो तुसी। ठीक है जेवे तुम्हारी मर्जी, चलो जी चलते हैं भीलन नगर। तूने मुंह खोला ना? हाँ मैंने खोला, मुंह मैंने खोला कि तूने खोला है? यार मैं क्यों मुंह खोलूंगा भाई, हमें फंसा दिया गया। अरे इतना बड़ा धोखा, तो
अजी ये पूरा प्लॉट एथे तो लेके ओथे तक एक ही पार्टी का है जी, जितेंद्र कालरा। टाइटल भी क्लीन है, प्लॉट तो वधिया है जी, सुपर है। ऑनर पैसे किन्ने मांग रहे हैं? पाजी पैसे की गल है, कल सुबह मिलके बात कर लेंगे। चंगा पाजी, तो कल सुबह 10 बजे ऑफिस में मीटिंग रख लेते, मैं जितेंद्र कालरा को भी बुला लूंगा और वहीं बैठ के सब गल्ला शल्ला कर लेंगे। और जी मेरी कमीशन की तो कोई लोड ही नहीं, वैसे भी मैं दूसरों की तरह क्लाइंट से गला नहीं काटता। पर हम तो काटेंगे और चंगी तरह काटेंगे। क्या सत्यकाल सुरेंद्र पाजी? संदीप तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है दोस्त। बैठो बैठो, मेहमान हो हमारे, बैठो। बैंक स्टेटमेंट, फोन रिकॉर्ड, अमेरिका। दो अप्रैल 2016, 3 लाख रुपए, जो कि विड्रॉ भी हुए। फिर 10 मई को 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए रघुवीर तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं। फिर 16 मई को संदीप तुमने फोन किया अमेरिका न्यूयॉर्क, तुम्हारा लास्ट कॉल रेखा अरोड़ा को, मतलब काम खत्म पैसा हजम। तुम दोनों तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, अब अगर झूठ बोला या ना कहने की कोशिश भी की ना तो उसी बेलन से तुम दोनों को बेल देंगे। ना बोलने दा उनके फायदा साहब, सबसे बड़ा धोखा तो हम दोनों के साथ हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी हम तो सर जी फंसे के फंसे ही रह गए। रेखा जी हद है, मैं 2 दिन से बैंक जा रहा हूँ, बैंक वाले बोल रहे हैं अभी तक आपका पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैंने कहा ना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो। अरे पैसे हैं, पैर नहीं उनके जो भाग जाएंगे। ओके तुम ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? रेखा जी मैं नहीं कर रहा जिद, रघु भी नहीं कर रहा जिद, ये जो जिद है वो वीरू कर रहा है। और वो सिर्फ जिद नहीं कर रहा है, हम दोनों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है वो। व्हाट नॉनसेंस। सच रेखा जी, अब तुसी तो न्यूयॉर्क से आके वापस लौट भी गए, लेकिन जैसा कि आपने कहा था हमने दोबारा कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया। रेखा जी लेकिन ये वीरू हमारे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, इसका सर घूम गया ना तो हमारे धड़ पे हमारे सर नहीं रहेंगे। अब इतना रो मत, पैसे 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। सियारा हूं मैं की करा, तू है दस कितनी बार फोन किया उसको, अब साली फोन ही नहीं उठा रही है। मैनू लगता है हमें चूना लगा रही है, खुदती है साली, एक बार सामने आ जाए ना तू। वो तो हमारे सामने आने से रही, लेकिन पैसे नहीं मिले ना जल्द से जल्द तो वीरू आ जाएगा हमारे सामने, और फिर वो क्या करेगा वो हम दोनों देख चुके हैं। तो वीरू इस त्रिकोण का तीसरा कौन है? जी सर। सर रेखा जी ने 50 लाख की डील की थी असद दोनों दिन आल, तुम वीरू को ले आए। ओए मैंने बंदा मार रहा है तो तुम दोनों मेरे सामने जो को ना मारो। पाजी 50 लाख दे, 3 हिस्सा करेंगे, सबनों बराबर बराबर मिलेगा, मन जाओ तुझी घर में। ठीक है तो बंदे के भी 9 टुकड़े करेंगे, 3 तू करेगा तो तू 3 तू करेगा। है पिछवाड़े मतलब गल कर दे, 50 लाख में से 25 लाख मेरे तो बाकी के 25 लाख तुम दोनों गया। ठीक एक उन बंदे का नाम दस, नाम की है। प्लानिंग कब हुई, कहाँ हुई? लुधियाने में, जब पिछले साल रेखा अरोड़ा आई थी अमेरिका से? जी सर। सर पिछले साल जब रेखा अरोड़ा लुधियाना आई थी ना तो ऊपर ऊपर ही बात की थी हमारे साथ, इस साल उसको फोन आया। आप श्योर है रेखा जी? तो ठीक है काम करना ही है तो कर देंगे, लेकिन रेखा जी जरा काम तुम दस रहे हो मतलब ये जो मर्डर का, उसके लिए ना हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी रेसिपी नहीं सुनी है और ना ही शॉपिंग लिस्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए। सुरेंद्र अरोरा का मर्डर, 50 लाख देने को तैयार हूँ। हाँ ठीक है रेखा जी, मैं एक बंदे से पूछता हूँ, उसने एक मर्डर किया हुआ है पहले,
वो सब मैं नहीं जानती। मुझे कंफर्म रिप्लाई चाहिए और एक कंफर्म प्लान। मैं एडवांस बहुत जल्द वायर कर दूंगी। ये तुम्हारा वीरू? जी जी सर। इस पर एक मर्डर केस की सुनवाई चल रही है सर। ऊपर से इसने 3 मई को इस पर पहले से चल रहे एक मर्डर केस के विटनेस को भी मार दिया। यहीं लुधियाने में? हाँ जी, रामबाग थाने में इसका केस दर्ज है। दिखा दो। कहाँ में लगे हैं वीरू? सर एड्रेस तो पता नहीं सर इसका, बीच बीच में फोन करता है बस सर। और नंबर बोल। एक नंबर नहीं है सर उसका, वो अलग अलग नंबर से फोन करता है। संदीप, सुरेंद्र अरोरा की कार कहाँ है? गड्डी तो वीरू ले गया, उसने कहीं बेच बाज दी। सोनी है जी, मैनू पसंद है तो कितने बैठ कर डन कर लेते हैं। ले लो फिर जी। ये रेखा अरोड़ा अपने पति सुरेंद्र अरोड़ा को मरवाने को चाहती थी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अरोड़ा जी हैं घर पे? जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। आप कौन? जी मैं उनकी चंदन कॉलोनी की दुकान का किराएदार हूँ, संदीप पुनिया। उन्होंने किराया देना है जी। आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। जी मैं जानता हूँ आप उनकी वाइफ हैं। अच्छा, कैसे? थोड़ी बोली अंग्रेजी ते तुसी देखने में भी अंग्रेजी एनआर है। स्मार्ट जी। थैंक यू। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूं, वो भी फ्री में। ये लो, आई नो यू नीड मनी। पैसे की जरूरत हर किसी को होती है। तुम लवर बुरे नहीं हो, मैं शायद तुम्हें दोबारा रिपीट करूंगी। हर दूसरे दिन रिपीट करती थी मुझे, तो मेरे लिए तो वो विन विन सिचुएशन थी सर। और ये? तुम दोनों के बीच में ये थर्ड अंपायर कहाँ से है? ये मेरा दोस्त है सर, तो मैंने रेखा जी से मिलवाया था, उन्हें भी पसंद आया ये भी। मतलब दोनों? ऑड इवन फॉर्मूला, ऑड पे तुम इवन पे ये, ऐसा कुछ? सर जब हम इससे मिले थे तो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि मैडम इतनी पहुंची हुई चीज़ है, पर जब इसके सास ससुर से बात हुई तो उन्होंने हल्की सी भनक जरूर दी थी इस अनबन के बारे में, बट इसके बारे में तो उन्हें भी बिल्कुल नहीं पता होगा। अच्छा गल दसो, ये मैडम रेखा अरोड़ा रह रही थी न्यूयॉर्क अमेरिका, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और सुरेंद्र अरोड़ा यहाँ लुधियाने में, तो दोनों के बीच में पसूड़ी क्या थी, प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? सर रेखा जी पिंजरे से आज़ाद होना चाहती थी, तो चाबी सुरेंद्र के पास थी ना। मतलब डिवोर्स, और ये सुरेंद्र अरोड़ा उसे डिवोर्स दे नहीं रहा था। रेखा जी मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं दे रहा है ना तो ना दे, तो गोली मारो ये डिवोर्स शिवोर्स को। देखिए आप वहाँ अमेरिका में मस्ती कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऐश कर रहा है, एक ही बात है। वो ऐश मेरी खुशियों का गला काट कर कर रहा है, इट्स सो अनफेयर। डिवोर्स कोई वॉलमार्ट की स्कीम नहीं है रेखा, कि पार्टनर चेंज करना हो नो प्रॉब्लम, रिटर्न करो नो क्वेश्चंस आस्क एंड फुल पैसा रिटर्न। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम पार्टनर क्यों चेंज करना चाहती? मैं पार्टनर नहीं चेंज करना चाहती, बस तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि एक दूसरे को पार्टनर कहने के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस शादियां नहीं होती क्या? लॉन्ग डिस्टेंस यस, लेकिन ये तो रॉन्ग डिस्टेंस है। रॉन्ग क्या है मुझे सब मालूम है, आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा न्यूयॉर्क में कोई लवर है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि मेरा जो लीगल लवर है वो मुझे प्यार ही नहीं करता। ताली के लिए 2 हाथ लगते हैं रेखा, और लव के लिए 2 लोग। तुम्हारे लिए तो शादी एक मजाक बन गई थी, तुम हाफ द टाइम भी मेरे पास नहीं थी, जबकि मैं तुम्हारे लिए 100% था। यू नो व्हाट, तुमसे शादी करके मैं पछताता हूँ। टिट्टो, बट आई एम ग्लैड तुम एटलीस्ट ऑनेस्टली बात तो कर रहे हो। तो मैं भी ऑनेस्टली सिर्फ यही कह रही हूँ, भूल जाते हैं इस रिश्ते को, पीछे छोड़ देते हैं, लेट्स मूव ऑन। और उसका बेस्ट तरीका यही है कि हम एक दूसरे को डिवोर्स दे दें। ठीक है, तो आई होप तुम्हें डिवोर्स के टर्म्स मंजूर हैं। वो टर्म्स नहीं, ना इंसाफी है। व्हाई? तुम एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमन हो, तो मेरे डैड के बनाए हुए मोटल्स में से तुम्हें शेयर क्यों मिले?
क्यों हर महीने मेरे अकाउंट से तुम्हें मेंटेनेंस मिले और हमारी पुश्तैनी जमीन में तुम्हें हिस्सा क्यों मिले? मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी शेयर पर मेरा हक है। मैंने अपनी जिंदगी के बेस्ट इयर्स तुम्हें दिए, एक बच्चा दिया है, और जब तुम यहाँ गॉड नोस क्या कर रहे थे ना, तब मैं तुम्हारे ओल्ड पेरेंट्स को यूएस में संभाल रही थी। मैं यहाँ गॉड नोस क्या कर रहा था? मैं यहाँ हूं ना तो तुम्हारी वजह से मुझे न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक छोटी सी बात को लेकर तुमने पुलिस घर पे बुला ली थी। हाथ उठाना छोटी बात होती है सुरेंद्र, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं। ओके, नो नीड फॉर दैट रेखा, मेरा स्टैंड क्लियर है। तुम्हें डिवोर्स लेना है अभी ले लो, लेकिन टर्म्स मेरे। सच कहो, मन तो किया वहीं उसी वक्त उसे गोली मार दो। सर मैंने बहुत बारी रेखा जी को समझाया कि रेखा जी ये मर्डर वर्डर के चक्कर में ना तुझे नाप हो, खा बखा का झमेला हो जाएगा। मार्च में उनका फोन आया मेरे पास, कहने लगी कि मैंने डिसाइड कर लिया है आर या पार, तो हमने वीरू को बुला लिया सर और कर दिया काम। बड़े ही फुद्दू बंदे हो, अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? क्या सोचा था, मर्डर करेंगे पैसे मिलेंगे और जिंदगी ऐसे गुजारेंगे? अब तुम दोनों जेल में सड़ोगे, दुनिया के कवरेज से बाहर और जिंदगी के नेटवर्क से आउट। माना कि रिश्तों में खटास थी, लेकिन दूरी भी तो थी। कौन सा रोज रोज खटास चखनी पड़ती थी? रेखा ने खुद दसिया कि सुरेंद्र नु उसे ने मरवाया। अभी रेखा से बात करनी बाकी है, लेकिन जिन दो बंदों से उसने कांड करवाया था वो हमारी हिरासत में है, और वो दोनों सब कुछ उगल चुके हैं। अब हम न्यूयॉर्क जाके रेखा के पास तो नहीं रह सकते जी, बिल्कुल नहीं रह सकते। एक बात बताओ मैडम, वो हमारे बंटी के साथ कुछ गलत तो ना कर देगी? व्हाट ब्लरी नॉनसेंस, आपसे दो लोगों ने बकवास क्या कर दी? आपने तो एक थर्ड रेट क्राइम नॉवल लिख डाली। NRI वाइफ ने अपने हस्बैंड को मरवा डाला। This is not even smart officer. थोड़ी तो चालाकी दिखाते। चालाकी तो आपने किए रखा मैडम, जो अपने बेटे के स्कूल का बहाना कर हमारे हाथ से भाग निकली। और मैडम अपने आप को इतना भी चालाक ना समझो, हमने संदीप और रघु के साथ साथ हत्यारे वीरू को भी धर लिया। और कौन है? रूम सर्विस सर, रूम साफ कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है इंडियन सिस्टम के साथ, बहाने बनाओ, ब्लेम गेम शुरू कर दो। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मेरे हस्बैंड के किलर्स को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर पकड़ लिया है पर ब्राइब लेकर उन्हें छोड़ रहे हैं और मुझे फंसा रहे हैं? मैडम आप अभी भी पुराने वक्त में अटकी हैं, आप आज के इंडिया को नहीं जानती। आपको लग रहा होगा कि आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट है तो आप सेफ हैं, हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जरा डरिए, क्योंकि हम बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। आपको न्यूयॉर्क के किसी पब से उठाकर प्लेन में डालकर यहां लेके आएंगे लुधियाना के इस थाने में, और वो भी कानूनी तरीके से। पकड़िए मत, हम आ रहे हैं। सुरेंद्र की कार ट्रेस हुई है सर, जब्त कर लिया हमने उसे। वीरू ने अमाला में एक मैकेनिक से मानो जैसे कार की प्लास्टिक सर्जरी करा डाली और फिर उसे बेच दिया। सर वीरू ने अपना जुर्म कबूल किया है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि संदीप और रघु के साथ मिलकर उसने सुरेंद्र का कत्ल किया था। इन तीनों के स्टेटमेंट्स का सॉलिड सबूतों के साथ बैकअप बनाओ। वो होटल रूम जहां रेखा अरोड़ा इन दोनों को लेकर जाती थी, वहां के विटनेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लानिंग की लोकेशन, फोन रिकॉर्ड, सबका डोजियर बनाओ। हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देंगे और किसी तगड़े वकील से मशवरा करेंगे कि रेखा अरोड़ा को अदालत के सामने कैसे पेश किया जा सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक्सट्रेडिशन फ्रॉम US टू इंडिया ताकि रेखा अरोड़ा यहां पर ट्रायल फेस करे, ये तो डेफिनेटली आसान काम नहीं है। सालों की मेहनत के बाद भी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट होते हैं या बिना प्रोग्रेस के लटके रहते हैं? हाँ सिलसिला लंबा है पर खेल सारा मजबूत एविडेंस का है। जितनी ज्यादा फुल प्रूफ, क्रेडिबल और लॉजिकल एविडेंस पेश की जाएगी एक्सट्रेडिशन में उतनी ही कम मुश्किल होने के चांसेस हैं। US नेशनल तो छोड़ो, यहां पर जो उसके मोहरे थे उन्हें पकड़ना का कम आसान था।
एक चक्रव्यूह रचा गया था। हम ऑलमोस्ट डेड एंड पर आ गए थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद है एक दिन रेखा अरोड़ा भी हमारी नजरों के सामने होगी और उस दिन का इंतजार रहेगा। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।